जो बीजेपी सरकार है सबको साथ लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास। अब अखिलेश जी ने क्या किया, ज्यादातर जितने भी जो सीट का बंटवारा किया मुस्लिमों को दिया, तो वो धर्म का चश्मा चढ़ाए फिर अपने ऊपर। जिसने पहले ही अपने ऊपर धर्म का चश्मा चढ़ा लिया हो तो उसे वोट देकर तो बेकार ही करनी है अपनी वोट, बेकार ही करनी है। तो आरोप तो इन पर भी लगते हैं, तो हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी वाले। तो आज तक एक भी झगड़ा हुआ अखिलेश के राज में? कितने झगड़े हुए हिंदू मुस्लिम, योगी के राज में बता दो एक भी झगड़ा हुआ कहीं? पढ़े लिखे भी मायावती जी ने इस बादलपुर के लिए कुछ नहीं किया क्या? ये तो उनका गांव है, पीछे आप देख सकते हैं एक महल बना रखा है। क्या लगता है जनता पसंद नहीं आ रही? और यहाँ बैठ के करतार मंत्री है और गजराज है भेड़िया तरह खाने को, उन्होंने अपना झंड भरा हो। अच्छा, ये तो बैठ बैठ के हम जाए दिल्ली मायावती या नबूजो कोई भी। अच्छा, तो और पब्लिक भूखे और मार, अपने गाँव को भी नहीं पूछा मायावती जी? कुछ भी ना, मिल के भी ना गई। अच्छा, मिल के भी नहीं गई? यहाँ आई ही, टाइम हो गया उनको आए हुए? कौन छह साल का? 15 साल होली। अच्छा, 15 साल हो गए? हाँ, आई ना एक फिर कुल्ला करने बात आई। अच्छा, तो खुश होगी? बस बता दिए, राम मंदिर, राम मंदिर, राम मंदिर ना, सब कुछ क्या दिया है? राशन दे रहा हूँ, लेटरिन बनवाई, कहानों करवाना। अच्छा, सब कुछ करे वाने, सब कुछ कर रहा है। वो आज के ना बनवाया, 370 धारा हटवा दी। अरे अखिलेश जी के राज में तो निकलते हुए डर लगा था यहाँ सड़क तक भी। अच्छा, पता लगा कि किसी ने हाथ में से मोबाइल ही छीन लिया। तो मतलब पहले इतना हो जाता था और सब जगह होता था, इतना शांति है अब बिल्कुल शांति है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो क्या लग रहा है जनता कुछ कर पाएगी उनके लिए? नहीं, अरे लाइट तो आएगी जब, तो 300 यूनिट फ्री देंगे। जब लाइट ही ना आएगी तो 300 यूनिट कहाँ से आ जाएगी? अच्छा, उसके राज में तो लाइट भी नहीं आती। कोई एटा मैन पूरी 4 जिले में देता है वहाँ पर लाइट, यहाँ तो हमने तो शिकल भी ना देखी जब वो जो है 5-5 घंटे लाइट आती थी। नमस्कार, मैं हूं विमल त्यागी और आप देख रहे हैं यूथ मीडिया टीवी। यूथ मीडिया टीवी की चुनावी यात्रा आज यहां पहुंची है बादलपुर में। पहले मैं कहूंगा ये एक बार दिखाइए जो महल आपको दिख रहा है, ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की कोठी है। ये बादलपुर गांव में है, गौतम बुद्ध नगर जिला है। यहाँ से पूछेंगे जनता से कि क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश का, यहाँ की जनता किसको देख रही है? क्या मायावती जी को इस बार जनता लाना चाहती है, या अखिलेश यादव जी को, या फिर से मौजूदा सरकार यानी कि योगी आदित्यनाथ को यहाँ की जनता लाना चाहती है? जनता से पूछेंगे, माहौल जानेंगे उत्तर प्रदेश के चुनाव का। आप देख सकते हैं, एक बार मैं अपने साथी से कहूँगा कि दिखाइए किस तरीके से ये महल बना रखा है। यहाँ की जनता से पूछेंगे कितना विकास किया था इस गाँव में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने, इस सरकार ने कितना काम किया है इसके बारे में चर्चा करेंगे, और किसकी सरकार बन रही है इस बार उत्तर प्रदेश में, युवाओं के क्या मुद्दे हैं, बुजुर्गों के क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के क्या मुद्दे हैं, महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है इस सरकार में, क्योंकि सरकार का जो दावा है कि हमने बहुत काम किए हैं, क्या वह दावा वाकई में सच है या झूठ है, इस पर जनता माहौल लगाएगी। चुनाव नज़दीक है, 10 मार्च को पता लग जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, लेकिन हम जनता से पूछेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव का है। भैया, चुनाव नजदीक है, क्या लग रहा है इस बार का माहौल, क्या नजर आ रहा है? बीजेपी जीतेगी भैया? बीजेपी की जीतेगी? क्यों बीजेपी जीतेगी? क्यों ना जीतनी चाहिए भैया? वही तो पूछ रहे, क्यों जीतनी चाहिए? राम मंदिर बनवा दी और क्या लो। अच्छा, अखिलेश जी कह रहे हमारी सरकार होती एक साल में बनवा। अखिलेश से कहने दो, जब कहोगे अखिलेश पिछली बार कहिया सर, जब कहा था अखिलेश, तो कह रहे हैं आपका सरकार बनवा दो एक साल में राम मंदिर बनवा देंगे। 27 में कर लेगा तैयारी बनवाने, 27 में इस बार नहीं नजर आ, नहीं आएगा, तो कह रहे हैं 400 पार है इस बार, कोई दिक्कत ना, 400 पार होने दो, 400 पार देख लेंगे तब मैं देख लियो। अच्छा, नाराज है इस बार? बिल्कुल, हम तो बीजेपी, योगी जी से खुश है? खुश क्यों? मुल्लांकर कर रहे सारे, मुल्लांकर पक्ष ले रहे, बिल्कुल सही हाँ। वे तो कह रहे बीजेपी मुस्लिम विरोधी है, रुक जाइए भैया, एक मिनट इनसे पूछ रहे हाँ। विरोधी है, मुल्लांकर पक्ष दे रहे, मायावती भी और अखिलेश भी दोनों। अच्छा, तो मायावती जी की कोठी है पीछे, क्या लग रहा है इस बार खाएगी हम कोठी में? क्या लग रहा है यहाँ की जनता पसंद नहीं कर रही क्या मायावती जी को? ना, युवा किसके साथ है इस बार? बीजेपी, बीजेपी साथ है, पर यासु कट रहे हैं जो झोंका एमएलए। अच्छा, एमएलए तो कट रहे हैं तेजपाल नागर। अच्छा हाँ, बाकी योगी जी का समर्थन है, गुंडागर्दी पर लगाम है बहुत ज्यादा लगाम है। अच्छा, बदली कर रहा तो ठीक है, मिला वोट ना मिला? योगी जी से संतुष्ट है जनता? बिल्कुल जी, विधायक से नाराज है? हम तो अपनी बता रहे हैं, हम तो बिल्कुल संतुष्ट। कह रहे पेट्रोल महंगा हो गया, कोई बात ना, पेट्रोल भी देखेंगे। तो रोड बना के दिए ना करना रहा पब्लिक को, रोड बना के दिए और दुनिया भर की सेवा कर रहा पब्लिक की, एक रोड टैक्स बढ़ा दिया थोड़ा तेल के, तो क्या कर दिया?
हम बर्बाद कर दिया, कमा के तो खा रहे, क्या बर्बाद कर दिया। सही है मामला। हाँ बढ़िया, मजदूरी बर्बाद हो गया योगी जी से, तो कोई बर्बाद ना हो, मौज आ रहे, पिल्सन दे रहो जो मजदूर ने कमा खवा रहा हूँ, दे रहो मजदूरन को सब कुछ करो। और क्या करता हूँ, जनता क्या लग रही है, बादलपुर की जनता, मायावती जी का गांव है, क्या लग रहा है, किसके साथ है? सीधे फूल बजाएंगे, सब फूल बजाएंगे। हाँ, मायावती जी को नहीं देंगे क्या वो? ना 200-400 दे दी तो कहा देने दे, वो भी बहुत सीधी शादी मिलेगी। हाँ, सब नौ जा। हाँ, सब वोट फूल बजाते जाएंगे, सब फूल बजाएगी। क्यों जाएगी फूल पे, कुछ काम किया है वाले ने, काम करके दिखाई है। साइकिल वालों ने नहीं किया कुछ भी, ना 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे इस बार, कुछ भी ना हो तो बकवास कर। पहले क्यों ना, पहले क्यों ना दे दिए अखिलेश ने, चाहे ना पहले दे देते फ्री देवा तो है। 100 नंबर चलाई मैंने 100 बार, क्यों कर दी? नौ तो बाकी वोट अखिलेश की और नौ मायावती की, ये तो सब ड्रामेबाजी है। अच्छा, हाँ वोट मिलेंगे सीधे फूल पे, सब फूल को है, फूल विकास किया है, विकास करके दिखाए। वहां तो 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं, कुछ 300 का फर्क पड़ रहा हो, 300 पूर्ति हो रही है। हाँ, यूरो ऐसा तो झाड़ू वाला केजरीवाल फ्री बिजली दे रहा हो, सब पब्लिक है पूरी है। हाँ, अब 300 यूनिट फ्री कर दी तो कहाँ पूर्ति पड़ रही है वास्तव? गुंडागर्दी पर लगाम लगी है इन 5 सालों में, ये नहीं है बताइए। सबसे ज्यादा आम लगी है। हाँ, खेची तो मायावती ने अभी, पर वहाँ पर लगाम नो खींची। अच्छा, जो यहाँ खींची है बीजेपी ने, योगी जी ने लगाम खींच दी। हाँ जी, क्यों एक तरह अखिलेश जी ने से भी नहीं हुआ कुछ ना हुआ, अखिलेश जी ने क्या करा के 100 नंबर चलाई इनने, हमारी 112 नंबर बना दी, लगाम इतनी खींच दी। अच्छा, हाँ जी, अखिलेश जी की सरकार नहीं बनेगी क्या इस बार? इस बार नहीं बन सका अखिलेश जी तो कह रहे बनेगी सरकार कौन में? नहीं नहीं बनेगी, कह रहे युवा भी उनके साथ होगा? नहीं होगी, नहीं हो सकती है। हा? नहीं हो सकती है, योगी जी हैं बस भाई, योगी जी हैं। क्यों है योगी जी? इन्होंने काम बढ़िया करे हैं। क्या बढ़िया लग गया? कर राशन भी फ्री दे रहे हैं, कैसी बात है, हर हफ्ता फ्री दे रहा है, महीना का फ्री हो रहा, यूँ है योगी जी। और काम भी बढ़िया कर रहे हैं, काम भी बढ़िया कर रहे हैं। हाँ जी, राम मंदिर बनवा दिया, धारा हटवा दी, राम मंदिर को तो अखिलेश जी कह रहे हैं 1 साल में हम बनवा देते अगर हमारी सरकार होती तो। मोदी जी ने पहले से कांग्रेस ने आपको कर्जा अब तक पटा रही है ये बीजेपी वाले, तो जब से कांवर गए क्यों ना करो, सारे मिलकर एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं और फिर भी योगी मोदी पूछना पड़े इन पे। अच्छा, बाहर तो गठबंधन कर लिया, कहते योगी जी को बाहर कर देंगे, गोरखपुरी भेजेंगे, कहीं कुछ नहीं होने वाला, योगी आएगा, योगी और मोदी आएंगे, और मोदी भी आएगा, मोदी जी भी आएंगे। हाँ जी, मोदी भी आएंगे। हाँ, दोनों आएंगे, अखिलेश जी नहीं आएंगे, अखिलेश जी नहीं आएंगे। तो गठबंधन कर लिया, कह रहे हरा देंगे इस बार। नहीं नहीं भाई, सफाई को एक सीट होगी तो क्लियर आखिर। अच्छा, क्यों हो करके दिखाया ना, लंगड़े लूले भी पुलिस में धकेल दिए। अच्छा, तो हो जाने जब काम करके दिखाए, इनने गंदे काम कर रखे, मायावती पे दिख ले अपने गांव के जो सही हाथ कटे भी नौ सब कुछ है। अच्छा, पढ़े लिखे भी। मायावती जी ने इस बादलपुर के लिए कुछ नहीं किया क्या? ये तो उनका गाँव है, पीछे आप देख सकते हैं एक महल बना रखा है, क्या लगता है जनता पसंद नहीं आ रही? यहाँ बैठे करतार मंत्री है और गजराज है भेड़िया तरह खाने को। हाँ, उन्होंने अपना झंड भरा हो। अच्छा, ये तो बैठ के हम जाए दिल्ली। हाँ, मायावती। अच्छा, या नबूजो कोई भी। अच्छा, तो और पब्लिक भूखी और मार, अपने गांव को भी नहीं पूछा मायावती जी, कुछ भी ना। हाँ, मिलके भी ना गई। अच्छा, मिलके भी नहीं गई। यहाँ आई ही, टाइम हो गया उनको आए, 5-6 साल का 15 साल होली। अच्छा, 15 साल हो गए। हाँ, आई ना एक फिर कुल्ला करने बाकी आई। अच्छा, उसके बाद ना आई, मतलब महल तो बना दिया है, पीछे आप देख सकते हैं इतना लंबा चौड़ा महल बना दिया है, तो फिर भी नहीं है। बना दिया भैया के साथ लेंगे, सासू के लिए। अच्छा, अपने लिए नहीं है, अपने लिए नहीं है। ऐसे महल कितने बना रखे है, बुलंदशहर में चले जाओ वहाँ भी है, बुलंदशहर में चले जाओ वहाँ भी है, मेरठ में भी है, नोएडा में भी है, सब जगह है, ऐसी ऐसी बात ना, कोटी बहुत है यहाँ खेचे लोट। अंकल 2 मिनट चाहिए थे आपके, चुनाव नजदीक है, क्या माहौल है इस बार उत्तर प्रदेश का, किसकी तरफ हवा नजर आ रही है? माहौल तो गर्मा गर्म है, गर्मा गर्म है, ठंड भी बढ़ रही है, तो क्या लग रहा है कौन सरकार बना पाएगा इस बार? लग तो ऐसा रहा बाबा योगी आएंगे, बाबा जी आ रहे हैं फिर से। अच्छा, क्या लग रहा है, कुछ अखिलेश जी है, मायावती जी है, और आप तो घर भी आपका मायावती जी के घर के सामने है, क्या नजर आ रहा है? हम तो चाहते हैं मायावती बन जाए, पर ना? रेस में तो है नहीं कहीं भी, रेस में ही नहीं है, रेस में नहीं है, वो तो ठंडी बढ़ी है बिल्कुल, कहीं कहीं हुई है, एक भी रैली कहीं देखी आपने? तो बाबा ने काम करके दिखाया, क्राइम फ्री कर दिया उत्तर प्रदेश को, और क्या चाहिए हमें? अच्छा, सुख शांति से रहते हैं। अच्छा,
कर दिया है या वैसे ही बोल रहे हो कुछ ऊपर ऊपरी मन से? नहीं, सुख शांति से रह रहे बिल्कुल। अच्छा, सब अखिलेश जी के राज में नहीं थे कि सुख शांति? अरे अखिलेश जी के राज में तो निकलते हुए डर लगा था यहाँ सड़क तक भी। पता लगा कि किसी ने हाथ में से मोबाइल ही छीन लिया, मतलब पहले इतना हो जाता था और सब जगह होता था। इतना शांति है अब? बिल्कुल शांति है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार 300 यूनिट बिजली फ्री दे रहे हैं? अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि इस बार अगर हमारी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो क्या लग रहा है जनता कुछ कर पाएगी उनके लिए? नहीं, अरे लाइट तो आएगी जब, तो 300 यूनिट फ्री देंगे। जब लाइट ही ना आएगी तो 300 यूनिट कहाँ से आ जाएगी? अच्छा, उसके राज में तो लाइट भी नहीं आती। वो एटा मैन पूरी चार जिले में देता है वहाँ पे लाइट, यहाँ तो हमने तो शिकल भी ना देखी जब वो जो है 5-5 घंटे लाइट आती थी। तो हम तो ये कहते हैं वो 400 भी दे 500 भी दे, हमें उसका लालच नहीं, हम तो बिल भरेंगे। बिल भरेंगे, बिल भरेंगे, फ्री नहीं लेंगे, फ्री नहीं लेंगे। अच्छा, उसके लिए कमाते हैं तो बिल भरेंगे। तो वही गुना कहता कि हम जो है कमाई के साधन जोड़ेंगे, आप अपना आराम से बिल भरना। वो तो क्राइम के साधन जोड़ता है कमाई की जगह। कमाई के साधन अगर योगी जी कह रहे हैं, हम कमाई के साधन जोड़ेंगे, रोजगार देंगे और सड़कें बना दी, जगह जगह हाईवे बना दिए। क्राइम फ्री का मायावती जी का यह गांव है, यहाँ की जनता मायावती जी का समर्थन नहीं कर रही है, अधिकतर देखा बीजेपी के साथ जा रहा है, ऐसा क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि 2007 में जब वो बनी थी तो जो यहाँ की जो जमीन है उस टाइम पे जमीन के रेट ज़्यादा थे और किसानों की जमीन फ्री में मुफ्त में ले ली। जबकि ये गांव देखो, आसपास के जितने भी गाँव हैं उनके बीच में पड़ता है और इस बीच में ही गाँव में सबसे पहले यहीं से अधिग्रहण करा। क्यों करा भाई? जब अधिग्रहण चलता है तो एक सीरियल वाइज चलता है, तो इसमें बीच में ही ले लिया, इस करके कि ये मायावती जी का गांव है। अगर 7-11 का मुआवजा मिला। अच्छा। जबकि जीटी रोड पे गांव है, 2 करोड़ पे और घोटाले पे घोटाले हुए, क्योंकि घोटाला माफिया यहाँ थे। अच्छा, क्योंकि उन्होंने अपनी जमीन तो जो है कमर्शियल में लगवा ली, कमर्शियल में लगवा के प्लॉटों में बेच दी। जो बाकी जो किसान बचे उनके 7-11 में लूट गए बेचारे। ये बीजेपी के राज में कोई घोटाला वोटाला नहीं होएगा? कह रहे हैं कि इन्होंने लगाम लगा रखी है, बुलडोजर दबा दब चल रहा है इनका। ना वो किसके बाबा जी किसी लिए कमाएगा? उसका कोई औलाद तो है नहीं, उसके लिए तो सारी प्रजा अपनी है। जो कमा होगा तो यहीं लगा होगा, उसे तो अपनी तनख्वाह भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि आदमी चाहे लड़की हो चाहे कोई बुजुर्ग हो, चाहे पैसे लेकर जाओ, किसी टाइम भी आ जाओ, रात को 12 बजे भी आ जाओ, तो बिल्कुल शांति से आएगा। तो ऐसे ही क्राइम मुक्त चाहिए, शांति है इनकी सरकार। शांति नाराजगी बताई जा रही है, कोई कह रहा है ब्राह्मण नाराज, कोई कह रहा है गुज्जर नाराज, कोई कह रहा है जाट नाराज, कोई कह रहा है कि मुसलमान नाराज, क्या लग रहा है? एक बात बताओ, एक फैमिली में अगर 8 मेंबर भी होते हैं उसमें कोई ना कोई जो मुखिया होता है उसे नाराज हो जाता है किसी न किसी बात को लेकर। तो 23 करोड़ है, 23 करोड़ की जनसंख्या में सबको संतुष्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो हम तो ये कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो जनता जिस बात को लेकर खुश है तो उसके लिए चलना चलिए आगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा जनता इसलिए खुश है क्योंकि क्राइम फ्री हुआ, क्राइम फ्री हो गया है मतलब उत्तर प्रदेश जी। पहले तो जो है किसी जो भैंसें थी गायें थी वे खुल जाती थी रात को, लोग पीट कर उठा कर लेकर चले जाते थे, और दिन में कोई चलता था तो ये चैन छीन लेते थे, कोई चैन गले में लेके चलेगा, हाथ में मोबाइल लेके चलेगा, उसको छीन लिया, इतना क्राइम था। अब नहीं है, अब नहीं है, बिल्कुल फ्री है। मायावती के राज में ऐसे चैन छीन गई घर वाले के। अच्छा, मायावती मायावती जी के घर के सामने से चैन छीन गई, चैन छीन गई थी। अच्छा, अब नहीं है ऐसा? अब ऐसा नहीं है। क्या लग रहा है जनता इस बार समर्थन कर रही है योगी जी का या बदलाव चाहती है? योगी जी के साथ है। योगी जी के साथ है। क्या लगता है आपको, योगी जी के साथ है इस बार? आपका तो मोस्टली सभी योगी जी के साथ, योगी जी के साथ। अखिलेश जी को नहीं देख रहे क्योंकि वे तो कह रहे हैं 300 कभी 300 कभी 350 कभी 400 पार बोल देते हैं। अब देखिए जो बीजेपी सरकार है सबको साथ लेकर चलती है, सबका साथ सबका विकास। अब अखिलेश जी ने क्या किया, ज्यादातर जितने भी जो सीट का बंटवारा किया मुस्लिमों को दिया, तो वो धर्म का चश्मा चढ़ाए फिर अपने ऊपर। जिसने पहले ही अपने ऊपर धर्म का चश्मा चढ़ा लिया हो तो उसे वोट देकर तो बेकार ही करनी है अपनी वोट, बेकार ही करनी है। तो आरोप तो इन पे भी लगते हैं, तो हिंदू मुस्लिम करते हैं बीजेपी वाले। तो आज तक एक भी झगड़ा हुआ? अखिलेश के राज में कितने झगड़े हुए हिंदू मुस्लिम? योगी के राज में बता दो एक भी झगड़ा हुआ कहीं? बिल्कुल सुख शांति से रहे मुसलमान भी और हिंदू भी। क्या अखिलेश का जब गाय काट दी है मुसलमान ने, हिंदू ने मार दी मुसलमान,
ठीक है, हमने कोई बुरा तो ना करा जी जी। अब फिर भी इसको दे रहा पैसा, प्लॉट भी दे रहा और फार्म भी दे रहा, सब कुछ दे रहा। तो हिंदू ने कुछ ना दिया, हिंदू ने कुछ भी ना दिया, मुल्ला ने सब कुछ दिया, प्लॉट भी दिया, यही ज्यादा हिंदू मुस्लिम करते हैं। बीजेपी पे लगाते हैं, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करते हैं, सब बकवास बाजी है, सब बकवास बाजी है। दुनिया भर को लुंडो गुंडो बदमाश योगी जो कानों में अखिलेश बाप। अच्छा आप बताइए, चुनाव नजदीक है, किसकी सरकार बनवा रही है इस बार? मोदी बनाएंगे भैया, मोदी जी की बनाएंगे। हाँ जी। क्यों बनाएंगे? मोदी हमारे लिए सब चीज सुविधा किया है। क्या सुविधा की है? बिहार में सबके लेटरिन शौचालय दिए, सबके गैस सिलेंडर। योगी जी ने क्या किया है? योगी जी भी करे हैं। क्या किए हैं योगी जी? हम लोग ना लेटरिन बाथरूम बनाए बनाए हैं। और अच्छा, अखिलेश जी कहते नहीं बनाए हैं? नहीं, अखिलेश जी हम लोग को कुछ नहीं करा, कुछ नहीं किया। अखिलेश जी कह रहे सरकार बनाएंगे, हम हमारी सरकार आएगी। क्या लग रहा है, महिला अखिलेश जी को समर्थन करेंगी? अखिलेश जी हम लोग को कुछ करे ना, हमारे जो है ना अभी हम लोग को शौचालय बनवाए, फ्री में राशन बांटे। योगी जी वो क्या करे, हम लोग को सिलेंडर दिए, खाते में पैसे दिए। अखिलेश क्या करे बताइए, जो हमारे बच्चे पढ़ रहे थे एक लैपटॉप भी नहीं दिए, करे लैपटॉप देंगे, कुछ भी दिया नहीं। अच्छा, हाँ। तो अखिलेश जी की सरकार नहीं चाहती है क्या? नहीं चाहते हैं। महिला सुरक्षित है योगी जी की सरकार? हाँ, योगी जी की सरकार में। अखिलेश जी के में नहीं थी? नहीं थी। पहले कहते थे कि 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलती थी महिला। आप देखो वो बेटी कहीं भी घूमो, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी जाओ, मतलब फ्री है, कहीं भी घूम सकते हैं। कहाँ दिक्कत है? लगाम है ना। अच्छा, गुंडागिरी नहीं है। अच्छा, तो योगी जी को ही चाहती हो? योगी जी। और विकास उकास हुआ भी है इन 5 सालों में? हुआ है, बहुत कुछ किया है ने योगी जी। योगी जी किए हैं, महिलाओं को पहली जैसी छूट मिल रही है? मतलब पहले तो कहते हैं गुंडागर्दी बहुत थी, अब नहीं है? मतलब अब नहीं है। तो योगी जी आ रहे हैं फिर से? हाँ, फिर अखिलेश जी को क्यों नहीं चाहती? अखिलेश जी हम लोग ये कुछ करे नहीं, कुछ तो कैसे चाहे ना, कुछ तो नहीं। हमने तो बहुत काम किया था, महिलाओं को सम्मान दिया था, पेंशन भी दी थी। नहीं, पेंशन नहीं मिली, नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। नहीं, योगी जी के राज, योगी जी को देंगे। योगी दोस्तों, आपने देखा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी के कोठी के बाहर खड़ी जनता ने किस तरीके से अपनी राय रखी उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर, किस तरीके की नाराजगी थी उनकी उनकी मायावती जी से और योगी आदित्यनाथ से, क्यों खुश थे ये अपनी पूरी राय दी, उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है ये बताया। तो आज हम बादलपुर गाँव में थे, पीछे मायावती जी की कोठी है, पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी की कोठी है, और यहाँ से जनता की राय जानी कि आने वाले चुनाव में माहौल क्या है, किसकी सरकार उत्तर प्रदेश में बन रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।